हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, वीवो कंपनी अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन पर काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है। अब दोस्तों, इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग की तैयारी खत्म होने को है और जल्दी दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है। 11 अप्रैल को दोस्तों वीवो कंपनी अपने घरेलू मार्केट चाइना में एक इवेंट आयोजित करने वाला है और इसी इवेंट में दोस्तों वीवो कंपनी अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन वीवो एक्स फोल्ड को लॉन्च कर सकता है। उसका अनाउंसमेंट दोस्तों इसी इवेंट में हो सकता है और कंपनी ने दोस्तों अपने घरेलू मार्केट यानी कि चाइना में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी एक झलक भी दिखा दी है, जिससे दोस्तों स्मार्टफोन की डिजाइन और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चलता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको Vivo X Fold स्मार्टफोन के लगभग सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं Vivo X Fold स्मार्टफोन से जुड़ी सभी खबरों के बारे में कि कंपनी इसकी प्राइस क्या रख सकती है, कौन से स्पेसिफिकेशन फीचर्स के साथ यह फोन आपको देखने को मिलने वाला है और क्या इस प्राइस पॉइंट पर आने वाले स्मार्टफोन के लिए हमें वेट करना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी बातों के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। है गाइस, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम छोटे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं Vivo X Fold स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और इसके डिजाइन के बारे में। दोस्तों, Vivo कंपनी ने अपने घरेलू मार्केट में Vivo X Fold स्मार्टफोन की एक झलक साझा की है, जिससे दोस्तों ये पता चलता है यह फोन बाजार में मौजूद अन्य फोल्डेबल स्मार्टफोन की तरह एक इनवर्ड फोल्डिंग डिजाइन से लेस होने वाला है। साथ ही फोन में सामने की तरफ कर्व एज के साथ पंच होल डिस्प्ले देखा जा सकता है। फोन के बैक में क्वाड कैमरा के साथ एलईडी फ्लैश देखने को मिलती है। फोन के बारे में विस्तार से समझने के लिए आइए दोस्तों हम आपको इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन एंड फीचर से साझा कराते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात की जाए तो काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये फोन एंड्रॉइड 12 FrontOS 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो ये फोन आपको 653 इंच की फुल HD प्लस कर्व OLED एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाला है, जिसका दोस्तों हाई रिफ्रेश रेट 120Hz होने वाला है। साथ ही दोस्तों ये फोन आपको 8 इंच की 2K QHD प्लस OLED E5 इंटरनल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ये फोन वाइडबैंड L1 एंड HDR 10 प्लस सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो काफी शानदार डिस्प्ले आपको यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही साइड देखने को मिलने वाली है। आपको दोस्तों कंटेंट देखने या फिर गेमिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का सबसे शानदार और सबसे लेटेस्ट चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 मिलने वाला है, जो दोस्तों 4 नैनोमीटर पर बना हुआ पावरफुल 5G चिपसेट है। ये चिपसेट दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको हीटिंग के इश्यू ना के बराबर देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको LPDDR5 रैम एंड USB 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफी तगड़ा चिपसेट कंपनी ने स्मार्टफोन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको गेमिंग करनी हो या फिर एडिटिंग करनी हो, कहीं पर भी आपको दोस्तों कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। कैमरे की दोस्तों अगर बात की जाए तो इस स्मार्टफोन का मेन कैमरा 50MP का होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी आपको मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों तीसरा कैमरा 12MP का होने वाला है, जो दोस्तों 2x टेलीफोटो लेंस के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 8MP का 5x पेरिस्कोप लेंस रियर साइड मिलने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों कैमरा सेटअप की बात की जाए तो काफी शानदार कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप दोस्तों काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फोटोग्राफी कर पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ड्यूअल अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 4600 mAh की दमदार बैटरी मिल सकती है, जो दोस्तों 18W वायर्ड एंड 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों आपके स्मार्टफोन को काफी जल्दी चार्ज करके देने वाली है और आपको दोस्तों अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको इधर के उधर के ऊपर के नीचे के लगभग सारे प्रकार के सेंसर मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलने वाला। कलर ऑप्शन की दोस्तों अगर बात करें तो ये फोन आपको ग्रे, ऑरेंज एंड ब्लू
तीन कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं वेरिएंट की, तो ये स्मार्टफोन दोस्तों 12GB रैम एंड 256GB फोन स्टोरेज और 12GB रैम एंड 512GB फोन स्टोरेज के दो वेरिएंट में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि क्या हमें स्मार्टफोन के लिए वेट करनी चाहिए या फिर नहीं, तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप भी फोल्डेबल स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको काफी शानदार डिस्प्ले मिल जाती है, पावरफुल चिपसेट मिल जाता है और एक बेहतरीन कैमरा सेटअप भी मिल जाता है, जो दोस्तों अच्छी खासी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।